आयुर्वेद में उपयोग होने वाली एक औषधि है जिसको हम रस अंजन के नाम से जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रस अंजन किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस तरह करना चाहिए ताकि हमें अच्छे और रिजल्ट मिल सके, और इसके गुणधर्म क्या हैं और इसकी उपयोग करने की सावधानियाँ क्या हैं और यह रस अंजन किस औषधि से प्राप्त होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो योग आयुर्वेद में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम वनस्पतियों की तलाश में पहुंच गए हैं नैनीताल, जो कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो आप वनस्पति देख रहे हैं ये दारू हल्दी के नाम से जानी जाती है। इसको संस्कृत में जो है दारूपीता, दारूनिशा, हरिद्रा, पीत दारू इत्यादि नामों से, हिंदी में दारू हल्दी कनकष्ट, नेपाल में चित्रा, उत्तराखंड में किंगोड़ा और इसका वर्टिकल नाम वरवेरिस एरिस्टेटा है। तो ये वनस्पति नेपाल, हिमालय और उत्तराखंड में विशेषकर पाई जाती है। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि दारू हल्दी का जो वृक्ष है यह कांटेदार और झाड़ूनुमा होता है। इसमें छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं और इसके पत्ते भी गुच्छों में हरे रंग गोलाकार होते हैं। तो आप इसको जब लकड़ी तोड़ेंगे तो इसके अंदर से ये पीली नज़र आती है, इसलिए इसको दारू हल्दी के नाम से भी जानते हैं या पीली हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फल हैं, इसके फल गोलाकार थोड़े जामुन की तरह दिखते हैं, कच्चे होने पर हरे होते हैं और थोड़े पक जाने पर ये लाल, बाद में ये काले पड़ जाते हैं और इसके अंदर से छोटे छोटे से बीज भी निकलते हैं और इसको हमारे क्षेत्र में बेरी समझकर खाया भी जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और हिमालय क्षेत्र में इसकी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसका उपयोग ज़्यादातर ज्वर, बवासीर और गठिया वायु रोग, दस्त या दांतों के दर्द को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फलों को हम जरसोक के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई आप जैसे कि मैंने बताया कुछ गोलाकार होती है और इसमें जो सबसे अच्छे जो फल है वो ईरानी माने जाते हैं क्योंकि ये पकने के बाद लाल हो जाते हैं और इसमें जो पीलेपन लिए हुए लाल रंग के जो जोसुंदा होते हैं वो थोड़े से घटिया किस्म के माने जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस दारू हल्दी की पहचान कर सकते हैं। इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जोलीकोट नैनीताल में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में ये आपको दारू हल्दी मिल जाएगी। तो इस पर मैं आपको वीडियो जो शूट कर रहा हूँ। अब जानते हैं इसके थोड़े से उपयोग के बारे में कि हम इसका उपयोग कौन कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं, या जो यहाँ के जो जानकार लोग हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, या इसके जो विशेषज्ञ लोग हैं इसके बारे में क्या जानते हैं। आयुर्वेद में प्रयोग होने वाला एक महा औषधि है जिसको हम रसौत या रस अंजन के नाम से जानते हैं। तो इस रस अंजन जो है इसी दारू हल्दी से तैयार किया जाता है। उसको तैयार करने के लिए आप इस दारू हल्दी का जो पंचांग है ले लें, उसके फूल पत्ती तना और जड़, आप इसके पंचांगों को ले लें और इसको बारीक कर आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और जितने इसकी मात्रा है उतने 10 गुने पानी में आप इसको रात को अच्छे से भिगो कर रख दें और सुबह आप इसको मंद आग पर पकाएं। जब पकते पकते ये एक और चौथाई रह जाए, करीब 10 किलो पानी है माना, तो करीब ये 4 किलो के आसपास पानी जब रह जाए तो आप इसको छान कर रख लें और इसको फिर से इसमें करीब 2 किलो गाय जो बकरी का दूध है आप इसमें मिलाएं और इसको फिर से खौलाएं। जब खौलते खौलते ये बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाए, मलाई की तरह हो जाए, तब आप इसको ठंडा कर किसी बर्तन में जमा लें। ये लाल रंग का हो जाता है। आप इसके बाद में टिकियां बना लें या गोलियां बना लें या सुखाकर इसका पाउडर भी कर सकते हैं। जो शुद्ध रसौत होती है वो थोड़ी चिपचिपादार होती है और जो बाज़ार से आप रसौत लाते हैं ये डुप्लीकेट होती है। ये लाल रंग की मिट्टी और कूड़ा करकट या पत्तों से तैयार की हुई होती है, जो आपको 1000 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाती है। जो असली रसौत होती है या जो शुद्ध रसौत होती है वो करीब आपको 5000 रुपये किलो के आसपास प्राप्त होगी, क्योंकि ये बहुत ही महा औषधि है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में बहुत ही किया जाता है। जहाँ बुखार उतारने के लिए जहाँ रसौत का प्रयोग किया जाता है या दारू हल्दी का प्रयोग किया जाता है, वहीं अगर आप कुनैन का उपयोग करते हैं तो कुनैन का उपयोग करने से आपको सिरदर्द,
पेट में मरोड़, दर्द या आपके कान में बहरापन जैसी शिकायतें हो सकती हैं, मगर आप इस दारू हल्दी का प्रयोग जब बुखार में करते हैं तो आपको ऐसी कोई सी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परंतु जब भी आप दारू हल्दी का जब प्रयोग करते हैं तो आप उससे पूर्व देख लें। अगर मरीज को दस्त या आँव या पेट में जो है मरोड़ जैसी पहले शिकायत रही थी या उसका इलाज आपने किया था तो वो इस दारू हल्दी के प्रयोग से पुनः हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी जड़ और इसकी जड़ का छिलका एक उत्तम कटु पौष्टिक और ज्वर नाशक जो है औषधि मानी जाती है, जो कड़वे और सुगंधित जो पदार्थों के साथ बने हुए जो बुखार उतारने की जो औषधियाँ होती हैं उससे कहीं ज़्यादा ये लाभदायक सिद्ध होती है। ये विशेषकर जो पित्त की बीमारियाँ होती हैं या पित्त के जो बुखार होते हैं उसमें ये काफ़ी लाभ पहुँचाती है। शरीर में अगर किसी प्रकार का शरव होता है या मल की अधिकता होने पर आप दारू हल्दी को देने में बहुत ही अच्छा रिवाज मानते हैं। इसको संलेश और पीप की कमी करता है, त्वचा के अंदर या त्वचा की जो रस ग्रंथियां हैं उसको नियमित क्रिया करता है। दारू हल्दी बहुत ही अच्छी औषधि इसमें मानी जाती है। इसमें कंठमाला है, उपदंश है, नासूर है, वगंदर है, वर्ण है, विश्व है, ऐसे रोगों में आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको आप लेप भी लगा सकते हैं। रक्त पिदर, श्वेत पिदर, गर्भाशय की शीतलता होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दारू हल्दी का प्रयोग आप पेशाब की वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए इसको जो बस्ती की जो सूजन होती है उसको दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग आंवले के साथ कर सकते हैं। सूजन पर आप रसौत का लेप कर सकते हैं जिससे आपकी सूजन मिटती है। कंठमाला में रसौत और कपूर को आप मक्खन के साथ मिलाकर आप लेप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आराम होता है। जख्म के ऊपर भी आप रसौत का लेप करने से आपको जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। ये दारू हल्दी या रसौत के बारे में कई विद्वानों का अलग अलग मानना है। जैसे कि डॉक्टर देसाई के मतानुसार दारू हल्दी कड़वी, उष्ण, कटु पौष्टिक, ज्वर को दूर करने वाले, पसीना को लाने वाले, कफनाशक और चर्म रोगों को दूर करती है। इससे द्वारा बनाया हुआ रसौत या रसंजन सूजन को दूर करने वाला, कफनाशक बुखार को उतारने वाला होता है। इसके फल शीतल या विरोचक होते हैं और इस दारू हल्दी की जो छोटी सी मात्रा अगर उपयोग करते हैं तो ये दीपन या सोम प्रभावी होती है। इसकी बड़ी मात्रा में आप जब प्रयोग करते हैं तो ये जोरदार पसीना लाने वाला होता है और उत्तम ज्वर नाशक औषधि मानी जाती है। तो मात्रा और इसकी जो अधिकता है उससे आपके पेट में मरोड़ भी के साथ साथ दस्त भी हो सकते हैं, तो इससे आपका ज्वर नाशक का जो धर्म है वो भी अच्छा माना जाता है, मगर इसको ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए। मलेरिया ज्वर दूर करने के लिए आप इस औषधि को कुनेन की अपेक्षा हल्के दर्जे की मान सकते हैं। यूनानी मतानुसार ये चिकित्सक के अंदर ये प्रसिद्ध एवं घरेलू औषधि मानी जाती है। ये दूसरे दर्जे की शरद और खुश्क औषधि है। इसकी जड़ की छाल पहले दर्जे की गर्म और दूसरे दर्जे की खुश्क है। ये पित्त को बखेर देती है और उसको तकलीफ को तेजी से कम करती है। ये दिल या जिगर को काफ़ी ताकत देती है। बवासीर, श्वेत पिदर में इसको दालचीनी के साथ आप इलायची मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं तो ये लाभ पहुंचाती है। मासिक धर्म की अधिकता में को ये कम करती है। जलोदर में लाभ पहुंचाती है। कफ से पैदा होने वाला बुखार, अतिसार में ये लाभदायक है। जिगर और मैदे की खराबी से जो दस्त होते हैं उसको ये दूर करता है। इसका लेप सूजन को जल्दी से दूर करता है। इसके फल और शहद और चौथाई आपका अगजी नींबू का रस, इनको आप शक्कर के साथ चाशनी में डाल दें और ये गाढ़ा होने पर आप उतार लें। इसकी ये दवा हर प्रकार की जो जहर है उसको उतारने को में लाभ पहुंचाती है। इस दारू हल्दी का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। इसकी जड़ को आप ले लें करीब 15 तोला और एक शेर पानी में डालकर आप उबालें। जब आधा शेर पानी रह जाए तो आप इसको छानकर एक औस की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके बुखार में काफ़ी लाभ होता है। बवासीर में आप रसौत 5 ग्राम, नीम की गिरी 2 ग्राम, मुनक्का 10 ग्राम,
इन तीनों को आप ले लें और इसकी गोलियां बना लें छोटी छोटी, और सोते समय आप इस गोली को लेते हैं तो आपके बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। गठिया होने पर आप इसकी जो डंठियां है या इसकी जड़ है आप औटाकर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको पसीना आता है और दस्त जैसे भी लग सकते हैं। इससे आपको गठिया में बहुत लाभ होता है। वायु के शरीर में वायु गोला का दर्द या वायु के बढ़ने के से जो दर्द होता है उसमें आप इसकी जड़ की छाल को गुड़ के साथ काढ़ा बनाकर पिलाने से आपके पेट में होने वाले वायु का जो दर्द है वो मिट जाता है। दस्तों में आप इस दारू हल्दी की जड़ की छाल और सोड दोनों को संभाग मात्रा लेकर और आप एक पानी में उबालें और इसको दिन में 3 से 4 बार आप पिला देते हैं तो आपके दस्त भी बंद हो जाते हैं। दांतों के दर्द होने पर आप इसका फल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करवाते हैं तो आपके दांतों व मसूड़ों के दर्द में बहुत ही राहत होती है और आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसकी लकड़ी के उपयोग से आपकी सूजन वाला जो बुखार है वो भी उतर जाता है, हमेशा रहने वाला बुखार भी दूर भाग जाता है। तीसराई या चौथाई अब आने वाला बुखार भी आप 2 से 3 घंटे में आप इसको काढ़ा बनाकर पीते हैं तो वो भी उतर जाता है। ये बुखार उतारने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। तिल्ली और इकृत से बढ़ जाने से आपको जो बुखार रहता है तो उसमें भी आप इसको काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं, उसमें ये नंबर 1 औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीलिया में आप इसको काढ़े में शहद मिलाकर आप पीते हैं तो पीलिया दूर हो जाती है। अंडकोश की वृद्धि या सूजन होने पर आप इस दारू हल्दी के काढ़े में गौमूत्र मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके अंडकोश की सूजन भी दूर होती है। इसकी जड़ का छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले मसूड़ों की कमजोरी भी मिट जाती है और इसकी जड़ की छाल को आँख के लिए ममीरे की तरह इसका काम में लिया जाता है। इसको पीस कर योनि में रखने से आपका गर्भ भी गिर जाता है। ये जो सर्द और कफ प्रकृति के लोगों के लिए तथा बात प्रकृति लोगों के लिए हानिकारक है। इसकी जड़ की छाल खांसी में नुकसान पहुंचाती है तो इसके दर्द नाश के लिए आप सर्दी प्रकृति के लोगों के लिए आप लौंग का प्रयोग कर सकते हैं और जो वात एवं खुश्क प्रकृति वाले लोग हैं वो इस शक्कर या गुलकंद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जड़ की छाल का दर्द नाश के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये औषधि का प्रतिनिधि कहें तो आप खट्टा अनार या गुलाब के फूल कह सकते हैं। तो इसके फलों की जो मात्रा है आप 6 माह से या 6 ग्राम के आसपास ले सकते हैं और इसके निचोड़े हुए पानी की जो मात्रा है वो करीब 6 तोला आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड में यह दारू हल्दी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, क्या आपके यहाँ यह दारू हल्दी पाई जाती है? आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस दारू हल्दी के बारे में आपको कुछ भी जानना है पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और आप मस्त रहें।